हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास सिक्स साइंस का चैप्टर टू पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर टू को कंप्लीट किया, यानी कि इससे पिछले वाला जो वीडियो है उसमें क्या किया था, चैप्टर टू को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था, समझा था। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। किसको करेंगे? चैप्टर टू के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, या तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हैं, या फिर ट्रू फॉल्स वाले हैं, या फिर जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उन सभी को हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और सभी क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। और इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। और साथ ही साथ जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो क्लास सिक्स बिहार बोर्ड का जो बुक है उसका चैप्टर टू का यहाँ पे क्या है, जितने भी साइंस के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, जो चैप्टर टू है, उसको हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ा था, कंप्लीट किया था, उसको अच्छे से समझे थे। तो क्वेश्चन आंसर देखने से पहले या क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले प्लीज जा करके इस चैप्टर का दो वीडियो है, यानी कि वीडियो वन और वीडियो टू, पहले वीडियो वन देखिए फिर वीडियो टू देखिए, उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस खुद ब खुद अपने आप हल सॉल्व कर लीजिएगा। मतलब आप इतना एबल हो जाइएगा कि इन सभी क्वेश्चंस को आसानी से एकदम अच्छे से समझते हुए सॉल्व कीजिएगा। अगर डायरेक्ट आप क्वेश्चन आंसर देखते हैं तो प्लीज वो जो उतना हेल्प है वो उतना हेल्प नहीं मिल पाएगा। इसलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, चीजों को सीखना चाहिए, उसके बाद जो क्वेश्चंस पूछा जाता है उसको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि पहले जा करके ये दोनों वीडियो को देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। आई होप, ये मान के चलते हैं कि आपने वो जो दोनों वीडियो है वो आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो पहला जो ये जो अभ्यास का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करा है कि सही विकल्प को चुने, यानी कि कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, तो उस क्वेश्चंस में क्या करना है हमको, सॉल्व करना है, मतलब चुनना है कि कौन सा सही है और कौन गलत है, ठीक है। तो क्या करा है कि आलू में उपस्थित होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि आलू में क्या उपस्थित होता है, आलू में ज्यादातर जो जो भी पोषक तत्व है वो सब क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व आलू में उपस्थित होता है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मंड, प्रोटीन, वसा या फिर खनिज लवण। तो कौन सा उपस्थित होता है, मंड उपस्थित होता है। मंड को और क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, यानी कि मंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंड को ही क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखो क्या करा है कि घेघा रोग किसकी कमी से होता है, हम लोगों ने पिछले जो वीडियो था उसमें पढ़ा था, जो डेफिशिएंसी डिजीज थे, यानी कि किसी चीज के अभावजन्य जो रोग थे उनमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, घेघा रोग के बारे में पढ़ा था। तो घेघा रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण होता है। जो अब ये ग वाला जो क्वेश्चन है कि रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या है, रुक्षांश मतलब क्या बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में रफेजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रफेजी। अब ये रफेजी क्या है कि जैसे तंतु बोल सकते हैं, यानी कि रुक्षांश जो क्या है, जो आप शरीर में जब भोजन करते हैं तो जो अपचा हुआ भोजन है उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद कौन करता है, रुक्षांश करता है। तो रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या है, चावल, बेसन, जल या फिर ताजे फल और सब्जियां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताजे फल और जो सब्जियां, उसमें रुक्षांश बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है। जो हमारे पेट में जो अनपचा जो भोजन है, मतलब जो भोजन बच जाता है, जो बेकार भोजन है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, ताजे और फल सब्जियां, ठीक है। घ जो क्वेश्चन है उसका क्या है कि भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदे मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है, कैसा बदल जाता है, नीला हो जाता है, नीला या काला हो जाता है, काला हो जाता है या इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाता है, नीला या काला हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा, ये जो नीला या काला है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ग अंग अंग वाला, यानी कि जो पांचवा क्वेश्चन है कि ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हैं, तो ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो वो हैं वसा, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमें ऊर्जा किससे मिलती है, तो पहले तो शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, तो शरीर पहले ऊर्जा के रूप में किसका उपयोग करती है, कार्बोहाइड्रेट की। उसके बाद अगर शरीर में कार्बोहाइड्रेट क्या है, खत्म हो जाए, यानी कि
शरीर से कार्बोहाइड्रेट अगर मान लीजिए खत्म हो जाता है ऊर्जा के रूप में उपयोग करने के बाद, तो वसा से शरीर जो है वो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती है, वसा से। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तीसरा, वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों। ठीक है, तो यहाँ तो हम लोगों ने देख लिया जो क्या है राइट आंसर को चूज करने वाला, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उनको हम लोगों ने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या मैच द फॉलोइंग है, यानी कि मिलान करने वाला है। तो मिलान करने वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो क्या करें यहाँ पे कि विटामिन ए, यहाँ पे विटामिन्स के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पे बीमारियों के नाम दिए हुए हैं, यानी कि कौन सी विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो देखो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है दृष्टिहीनता। कौन सी बीमारी होती है, दृष्टिहीनता। दृष्टिहीनता कहने का मतलब क्या हुआ कि जिससे कम दिखाई दे, मतलब दृष्टि में दोष आ जाए, कम दिखाई दे, या फिर रात के समय में तो दिखाई ही नहीं देता है, रतौंधी हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, दृष्टिहीनता। फिर कह रहा है विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। क्या होता है, बेरी बेरी जो बीमारी है वो किस विटामिन की कमी से होता है, ये विटामिन बी की कमी से। उसके बाद आता है विटामिन सी, तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, जल्दी बोलिए, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी होता है। कौन सा बीमारी होता है, स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है, हम लोगों ने पढ़ा था रिकेट्स। कौन सा बीमारी होता है, रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है, इसके क्या लक्षण है कि इसमें जो हड्डियां हैं वो मुड़ जाती है, बहुत सॉफ्ट हो जाती है, मतलब थोड़ा सा भी गिरे तो क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद बात करें आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या होता है, आयोडीन का क्या हो जाएगा, घेघा रोग। क्या हो जाएगा, घेघा रोग। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, घेघा रोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या करा है, इनमें सही कथन को अंकित कीजिए, यानी कि जो सही कथन है उसको लिखना है। तो क्या करें यहाँ पे कि केवल चावल खाने से हम शरीर के पोषण की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, क्या ये सही है, तो नहीं, ये गलत है। ये कैसा स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। अब क्या करा है कि इनमें से सही कथन को अंकित कीजिए, तो जो सही है उसको लिखना है। तो क्या करा है कि केवल चावल खाने से हम शरीर के पोषण की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था कि नहीं, हमें संतुलित आहार चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की भी मात्रा होनी चाहिए, वसा भी होनी चाहिए, प्रोटीन की भी मात्रा होनी चाहिए, विटामिन्स भी होने चाहिए, खनिज लवण भी होने चाहिए, सारी चीजें वैसे भोजन में मौजूद हो, उसको क्या बोलते हैं, संतुलित आहार बोलते हैं, संतुलित भोजन बोलते हैं। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, सिर्फ चावल खाने से काम नहीं चलेगा, इसलिए क्या चाहिए, सभी संतुलित आहार चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, ख क्या कर रहा है कि संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। तो बिल्कुल, संतुलित आहार अगर हम खाते हैं तो जो मनुष्य के शरीर में अभावजन्य जो रोग होते हैं, मतलब जो डेफिशिएंसी डिजीज है, जैसे मान लीजिए प्रोटीन की कमी से, विटामिन की कमी से जो बीमारियां होती है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से जो बीमारियां होती है, तो उन सभी से क्या है, बचा जा सकता है। तो इसलिए संतुलित आहार खाकर जो अभावजन्य रोग है उसकी रोकथाम की जा सकती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, हमने ख को देख लिया, अब ग को देखते हैं। ग वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, तो क्या कह रहा है कि शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि संतुलित पदार्थ में नाना प्रकार के, नाना प्रकार के कहने का मतलब क्या है, अलग अलग, मतलब डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग प्रकार के कैसे होने चाहिए, अलग अलग प्रकार के होने चाहिए, अलग अलग प्रकार के होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, अलग अलग प्रकार के होने चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं, नाना प्रकार के। क्या बोलते हैं, नाना प्रकार के, मतलब अलग अलग प्रकार के, डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। तो जो संतुलित आहार में है वो अलग अलग तरीके के भोजन होने चाहिए, खाद्य पदार्थ होने चाहिए। तो बिल्कुल, ये भी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ये भी सही है। तो इसका ग भी क्या हो जाएगा, सही हो। तो फ्रेंड्स, हमने क्या देख लिया, ग को देखा कि शरीर के लिए संतुलित आहार नाना प्रकार के खाद्य होने चाहिए, तो ये सही बात है, ये जो स्टेटमेंट है वो ग वो सही है। उसी तरीके से बात करें घ का, तो शरीर को सभी पोषक तत्व तो उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। यानी कि शरीर को जितने भी पोषक तत्व चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ मांस खाने से नहीं मिल सकता है, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। तो फ्रेंड्स, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखे जिनमें ये जो पोषक तत्व है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो वह बात करें वसा की, तो वसा किन किन में पाया जाता है, तो अगर बात करें वसा की तो तेल में, वसा किस में मिलता है, तेल में, तेल हो गया। दूसरा हो गया घी, किसमें हो गया, घी। एक और लिख सकते हैं, पहला तेल हो गया, दूसरा हो गया घी, तीसरा हम लोग लिख सकते हैं, तीसरा हम लोग किसमें लिख सकते हैं, मूंगफली, मूंगफली। तीसरा क्या हो गया, मूंगफली हो गया, तो मूंगफली को लिख सकते हैं। ठीक है, वही अगर बात करें मंड की, किसकी बात करते हैं, मंड की, मंड की अगर हम बात करते हैं तो
तो मंड जो है वो किन में बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। तो मंड की अगर हम बात करते हैं, अगर हम मंड की बात करते हैं, तो मंड जो है वो किस में अधिक मात्रा में मिलता है? तो मंड जो है ना, कहाँ गया, मंड जो है वो कहाँ पे मिलता है, किस में मिलता है? तो मंड हमें मिलता है चावल, किस में मिलेगा? चावल में। पहला हो गया चावल, दूसरा हो गया आलू, आलू हो गया, तीसरा हो गया गेहूं, गेहूं भी बोल सकते हैं, गेहूं में। यानी कि मंड के जो तीन स्रोत है इसको लिखते जाइएगा, ठीक है? तो ये तीन हो गया। उसके बाद आहारी रेशे की बात करें तो आहारी रेशे हमें किन किन में मिलता है? तो आहारी रेशे हमें मिलता है सब्जी, क्या हो गया, सब्जी हो गया, सब्जियां, और अंकुरित, अंकुरित चना, अंकुरित चना में भी हमें क्या मिलता है? आहारी रेशे मिलते हैं। वही अगर बात कर प्रोटीन की, अगर हम बात प्रोटीन की करते हैं, ये लिख रहे होंगे, आई होप आप लोग जो वीडियो को क्या करना है, पॉज कर लेना है, और पॉज करके जो नोटबुक है आपका उसमें इनके नाम लिख लेने हैं, ठीक है? अब देखो ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन के दो स्रोत के नाम लिख लिए। तो प्रोटीन का पहला स्रोत हो जाएगा, दूध, ठीक है? दूसरा स्रोत क्या हो जाएगा प्रोटीन का, दूसरा स्रोत क्या हो जाएगा? तो दाल हो जाएगा, दाल से हमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। तो ये दो स्रोत हो गए प्रोटीन के, ठीक है? अब बात करते हैं पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है, वो पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि निम्नलिखित के नाम लिखिए, यानी कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उसके हमें क्या करने हैं, नाम लिखने हैं। जैसे अगर बात करें निम्नलिखित के नाम लिखने हैं, तो क्या करा है कि ऐसे पोषक तत्व के नाम लिखिए जो मुख्य रूप से शरीर को ऊर्जा देते हैं। यानी कि ऐसे पोषक तत्व के नाम लिखने हैं जो शरीर को क्या करते हैं, मुख्य रूप से ऊर्जा देते हैं। तो वो क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। कौन हो गया? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये दोनों होगा। पहला कार्बोहाइड्रेट होगा और दूसरा क्या होगा, वसा। यानी कि हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलता है और साथ ही साथ वसा से भी मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर बात करें तो मुख्य रूप से किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पोषक तत्व, वैसा पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि और सुरक्षा के लिए आवश्यक है, तो वो क्या हो गया दूसरा, ये जो ख नंबर क्वेश्चन है कि वैसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि और सुरक्षा के लिए आवश्यक है, तो वो क्या हो गया, प्रोटीन। क्या हो गया, प्रोटीन। शरीर की वृद्धि और सुरक्षा के लिए कौन सा आवश्यक है, प्रोटीन है, ठीक है? आगे बात करते हैं ग नंबर क्वेश्चन, जो ग नंबर क्वेश्चन है उसका क्या है कि वैसे पोषक तत्व, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, तो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, विटामिन ए। कौन सा है, विटामिन, वाइटमिन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाइटमिन ए, वाइटमिन ए। हमारे शरीर की आंखों की दृष्टि के लिए क्या है, बहुत ही ये लाभदायक है, मतलब जरूरी है, तो क्या हो जाएगा, विटामिन ए हो जाएगा, ठीक है? घ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, घ स्टेटमेंट जो है वो क्या कह रहा है, घ जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, यानी कि उस खनिज का नाम लिखना है जो अस्थियों के लिए क्या है, आवश्यक है, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम, कैल्शियम, क्या हो जाएगा, कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घ का, घ का राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, छह नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, तो छह नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो हमारे जो भोजन के मुख्य पोषक तत्व तो कौन है, तो पहला लिखते हैं, लाइन बाय लाइन लिखते चलते हैं, ठीक है? लाइन बाय लाइन लिखते चलते हैं। तो हमारे भोजन के पहला जो मुख्य पोषक तत्व तो है वो है कार्बोहाइड्रेट। कौन है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया। दूसरा हो गया वसा, तीसरा हो गया प्रोटीन, चौथा हो गया, तीसरा हो गया प्रोटीन, चौथा हो गया खनिज लवण, हो गया। अगर बात करें पांचवा की, तो पांचवा हो गया विटामिन्स, ये क्या है, मुख्य पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के लिए क्या है, आवश्यक है, ठीक है? आगे बात करते हैं सातवां नंबर जो क्वेश्चन है, ये लिखते जाइएगा, ठीक है? वीडियो को पॉज कर लेना है
और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आंसर में इनको लिखते चलना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, सातवां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो जो सातवां नंबर क्वेश्चन है ना, वो क्या बोल रहा है, सातवां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कुपोषण से आप क्या समझते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुपोषण से आप क्या समझते हैं और इससे जो कुपोषण है उससे कैसे बचा जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे इसके आंसर में, लिखेंगे कि कुपोषण से हम लोग क्या समझते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। ठीक है, तो आइए आंसर लिखना शुरू करते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, सातवां नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि कुपोषण शरीर की वैसी स्थिति को बोलते हैं, कुपोषण शरीर की उस स्थिति को बोलते हैं, उस स्थिति को बोलते हैं, एक मिनट, उस स्थिति को बोलते हैं जिसमें शरीर को, इधर से होगा ना, शरीर, जिसमें शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, एक मिनट, आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तथा शरीर बहुत दुबला पतला और कमजोर हो जाता है। पतला और कमजोर हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ठीक है। इतना हम लोगों ने लिखा, उसके बाद आगे लिखेंगे। तो ये तो हो गया कि कुपोषण किसे कहते हैं, यानी कि कुपोषण शरीर की उस स्थिति को बोलते हैं जिसमें शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तथा शरीर बहुत दुबला पतला हो जाता है और कमजोर हो जाता है, ठीक है। ये हम लोगों ने लिख लिया। अब क्वेश्चन का जो अगला भाग है कि इससे कैसे बचा जा सकता है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है, तो पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखेंगे कि कुपोषण से हम लोग बच सकते हैं, मतलब कि संतुलित आहार लेकर के, क्या बोलेंगे कि संतुलित संतुलित आहार लेकर कुपोषण से बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर हो गया, ठीक है। यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है, क्या लिखे कि कुपोषण शरीर के उस स्थिति को बोलते हैं जिसमें शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तथा शरीर बहुत दुबला पतला और कमजोर हो जाता है, और साथ ही साथ संतुलित आहार, और बात आते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है, तो संतुलित आहार लेकर कुपोषण से बचा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा सातवां नंबर जो क्वेश्चन था उसका आंसर हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, प्रस्तावित परियोजनाएं एवं क्रियाकलाप, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा कि क्या है, ठीक है। तो ये था हमारा जो चैप्टर है वो 2 है साइंस का, वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, ठीक है। और अभी तक प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करना है, शेयर भी करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।